गुजरात गौण सेवा पसंदगी मंडळनी स्पर्धात्मक परीक्षाओं ने लेने महत्वनो निर्णय हवे फेरफार रूपे आवी रह्यो छे। आ फेरफार मुजब हवेथी परीक्षा पद्धति संपूर्ण पेपरलेस हशे तेमज दिवसना त्रण पेपर काढवामां आवशे। आ परीक्षा उम्मीदवारोए कम्प्यूटर पर आपवानी रहेशे। जीटीयूना अध्यापकों आकरा पाणीए लांबा समयथी विविध छ मांगणीओ पूरी न थता अध्यापकों आंदोलनना मूळमां छे। परीक्षानो बहिष्कार करवानी चीमकी उच्चारी जीटीयूना रजिस्ट्रारे कह्युं के शिक्षण विभाग अध्यापकोनी मांगनो उकेल लावशे। जरूर पड़े अध्यापकों ने सरकार साथे मळी वातचीत करीने कोई हकारात्मक दिशा में पगला भरीशु। गुजरात इन्कमटेक्स विभागे विविध शहरों में दरोड़ा पाड़िया। आ वर्षे इन्कमटेक्स द्वारा वडोदरा, अमदावाद, सूरत, सेलवासा और मुंबई सहित 40 थी वधु जग्याए दरोड़ा पाड़वामां आव्या। वडोदराना आरआर काबिल ग्रुप ने त्यां इन्कमटेक्स विभागे तपास करी हती। ग्रुपना चेरमेन रमेश काबरा सहित विविध डायरेक्टर और डिस्ट्रीब्यूटर स्थलों पर आईटी विभागे दस्तक दी। संघ प्रदेश दादरनगर हवेली सिलवासा में आवेला आरआर काबिल आयकर में आयकर विभागे धामा नाख्या। दिवाळी दिवसों बाद आयकर विभाग द्वारा राज्यभर में विविध स्थलों कार्यवाही थी रही है। राज्य बाकी उद्योगपतिओं में आ सर्च ऑपरेशन ने लई फफड़ा। गुजरात बार काउंसिल द्वारा राज्य की 272 बार एसोसिएशन की चूंटनी जाहिर कर राज्य में सौथी मोटू क्रिमिनल कोर्ट बार एसोसिएशन एटले कि अमदावाद क्रिमिनल कोर्ट बार एसोसिएशन है। एसोसिएशन में कुल 7500 नोंधायेला वकीलों से 5500 वकील नोंधायेला मतदार है। आगामी 22 डिसेम्बर रोज क्रिमिनल कोर्ट बार एसोसिएशन प्रमुख उपप्रमुख सहित पदों माटे चूंटणी योजाशे। बोडल शहर 100 वर्ष जूना 125 वर्ष जूना ब्रिज मामले गुजरात हाईकोर्ट में शहरी विकास विभाग, मार्ग और मकान विभाग, कलेक्टर और पुलिस विभागे सोगंदनामू रजू करू। सरकारे हाईकोर्ट ने बन्ने ब्रिज ने नवा बनावा मामले तैयारी दर्शाई। जो कि आ मामले हाईकोर्टे सरकार ने फटकार लगावी। हाईकोर्टे सरकार ने सवाल कर्यो कि जो आ ऐतिहासिक ब्रिज है, आइकोनिक ब्रिज है, तो शू काम तोड़वामां आवे। हाईकोर्टे गोंडल ब्रिज अंगे चिंता व्यक्त करता कह्युं कि जेवुं काम मोरबी ब्रिज में थयुं तेवुं काम अमने नथी जोयुं। गुजरात हाईकोर्ट में राज्य में कायमी ओबीसी कमीशन नहीं होवाना विवाद मामले सुनावणी हाथ धराई। जेमा गुजरात हाईकोर्टे सरकार पासे एनसीबीसी कमीशन में 5 सभ्यों होय छे, ज्यारे गुजरात में मात्र एक ज सभ्य की रचना मामले खुलासो मंगायो। हाईकोर्टे सरकार की झाटकनी काटता कह्यु कि सरकारी व्यवस्था में हाल कमीशन शोभाना गाठिया जेवा बनी रहा छे। ओबीसी ज्ञातिओनो समयांतरे सर्वे नहीं थयो होवानी बाबतनी पण कोर्टे नोंध लीधी। सूरत शहर में एपीएमसी माटे जनहित माटे अपायेली जमीन बारोबार आपी देवाना विवाद मामले हाईकोर्ट में जाहिर रीतनी अरजी थी। हाईकोर्टे टकोर करी के सरकारी जमीन पर बारोबार खानगी होटल उभी थाय ते चिंताजनक छे। एपीएमसीए कया नियमों आधार जमीन पर 5 स्टार होटल बनावी तेनो खुलासो करवो जोईए तेवो हाईकोर्टे आदेश कर्यो। गुजरात सरकार पोतानी योजनाओं ने प्रचार प्रसार माटे भारतभर में संकल्प यात्रा योजी रही छे। जो कि संकल्प यात्रा दरमियान जे रथ गामे गाम फरवाना छे ते राजस्थान में बनावामां आव्या। 30 तारीखे संकल्प यात्रा शुरू थवाना कारणे आ रथ हिम्मतनगर आवी पहोंच्या हता। रथ बाबते ट्रक ड्राइवर अने तेमना बैठेला व्यक्तिओने पूछता तेमणे आ तमाम 48 जेटला रथ राजस्थान में बन्या होवानुं स्वीकार्युं। राजकोटना अमूल इंडस्ट्रीज में पगार अने पीएफ बाकी होवाना कारणे हरेशभाई हिरभाई आत्महत्या करी हती, जेना कारणे आहिरसेनाए रेली काढी हती। अमूल इंडस्ट्रीजना मालिकों सामे कायदेसरनी कार्यवाहीनी मांग करवामां आवी। अग्रणीओ साथे अमूल इंडस्ट्रीजना कामदारो पण रेलीमां जोडाया। राज्यना पाणी पुरवठा मंत्री कुंवरजी बावड़ियाए एक निवेदन आप्युं। आ निवेदन डेम सेफ्टी एक्टनी अमलवारी पर आपवामां आव्युं। कह्युं के केन्द्र सरकारे चकासणीनी कामगीरी पूर्ण करी छे, परंतु राज्यकक्षाए कामगीरी थई रही छे। तेथी आ चकासणीना सर्वे बाद तमाम डेम में जरूरी बांधकाम कराशे।
बनासकांठा जिला माटे जीवादोरी समान दातीवाड़ा डेमनो गेट क्षतिग्रस्त थता करोड़ों लीटर पानी वेड़फाट थयो छे। डेमनो गेट बंद करवानो रोड एक थी दोढ फूट सुधी वड़ी गयो छे ने रोजनु 400 क्यूसेक पानी वेड़फाई रह्यु छे। महत्वनुं छे के रवि सीजन माटे बे तबक्कामां पानी अपाई गयु होवा छतां गेट बंद न थता पानीने नदीमां छोड़वानी फरज पड़ी। हवामान विभाग मुजब राज्य में आगामी बे दिवस हळवोथी सामान्य कमोसमी वरसाद पड़वानी शक्यता। दाहोद, छोटाउदेपुर, डांग और वलसाडना विस्तारों में कमोसमी वरसाद पड़ी शके। हालना दिवसों में सामान्य तापमान करता तापमान ओछू नोंधवामां आव्युं छे, ज्यारे बे दिवस बाद तापमान में 2 थी 3 डिग्री वधारो थशे। राज्य में ठंडी चमकारो जोवा मळी रह्यो छे। 13 शहरों में 20 डिग्री थी नीचू तापमान नोंधायुं। नलिया 13 डिग्री साथ सौथी ठंडुगार रह्यू। अमदावाद में सौथी वधु 25 डिग्री तापमान नोंधायुं। राज्य में महत्तम तापमान में 4 डिग्री घटाड़ो थता दिवस दरमियान पण ठंडकनो अहेसास। मावठाना कारणे राज्यना घणा जिल्लाओं में नुकसान। बनासकांठाना सरहदी विस्तारों में कमोसमी वरसाद था શિયાળુ પાકોને ભારે નુકસાન થયું છે। માવઠાના મારથી ખેડૂતો લાચાર બની રહ્યા છે, સરકાર પાસે સહાયની માંગ કરી રહ્યા છે। આમ તો શિયાળો છે, પરંતુ માવઠાના કારણે મિશ્ર ઋતુનો અનુભવ થઈ રહ્યો છે। શહેરમાં પાણીજન્ય અને મચ્છરજન્ય કેસ પણ વધી રહ્યા છે। અમદાવાદમાં નવેમ્બર માસમાં ઝાડા ઉલટીના 472, કમડાના 111, ટાઇફોઇડના 245 કેસ નોંધાયા। ઉપરાંત બેક્ટેરિયાલોજીકલ તપાસ માટે 2256 જેટલા પાણીના સેમ્પલ લેવાયા, જેમાંથી કુલ 46 જેટલા પાણીના સેમ્પલ અનફિટ જાહેર થયા। ચીનમાં બાળકોમાં શ્વસન સંબંધિત બીમારીમાં કેસના કારણે ચિંતા વધી છે। કેન્દ્રીય આરોગ્ય મંત્રાલયે પુષ્કળ સાવચેતીના સંદર્ભે શ્વસન બીમારીઓ સામે સાવચેતીના પગલાંની સમીક્ષા કરવાનો નિર્ણય કર્યો। અમદાવાદ કોર્પોરેશન સંચાલિત હોસ્પિટલોમાં પણ આ અંગે તકેદારી રાખવામાં આવી રહી છે। કોઈને તાવ, માથાનો દુખાવો, ડાયરિયા, શરદી, ખાંસી સહિતના લક્ષણો જણાય તો તેની જાણ સરકારને કરવાની રહેશે। ચીનમાં ફેલાતા ન્યુમોનિયાના નવા વેરિયન્ટને લઈને ભારત સરકારના આરોગ્ય વિભાગ પણ સતર્ક બની ગયું છે અને એડવાઇઝરી જાહેર કરી છે, જેને લઈને વિવિધ સરકારી હોસ્પિટલમાં સંભવિત જોખમને પહોંચી વળવા માટે તમામ તૈયારીઓ કરી દેવામાં આવી છે। વડોદરાની સયાજી હોસ્પિટલ મધ્ય ગુજરાતની સૌથી મોટી સરકારી હોસ્પિટલ છે। નવા ખતરાને પહોંચી વળવા હોસ્પિટલમાં અત્યાધુનિક સુવિધાઓ તૈયાર થઈ ગઈ છે। રાજકોટ સિવિલ હોસ્પિટલમાં પણ ચાઇનીઝ નવા વેરિયન્ટ ને લઈને તમામ તૈયારીઓ પૂર્ણ કરી દેવાય। સિવિલ હોસ્પિટલમાં બાળકો માટેના 200 બેડની વ્યવસ્થા કરાઈ। અલગ અલગ ડિપાર્ટમેન્ટના એચઓડીએ બેઠક કરી તમામ તૈયારીઓ અંગે ચર્ચા કરી અને વિગતો મેળવી। હોસ્પિટલમાં ઓક્સિજન પ્લાન્ટની પણ પૂરતા પ્રમાણમાં વ્યવસ્થા કરવામાં આવી। મહીસાગર જિલ્લામાં તાલુકા શિક્ષણ અધિકારીની ખાલી જગ્યા પર નિયમોની અવગણના કરી અન્ય શિક્ષકને ચાર્જ સોંપાતા વિવાદ। આ અંગે ગુજરાત રાજ્ય પ્રાથમિક શિક્ષણ સંઘે પત્ર લખ્યો। પત્રમાં ઉલ્લેખ છે કે કડાણા તાલુકા પ્રાથમિક શિક્ષણ અધિકારીની ખાલી જગ્યા પર લુણાવાડા તાલુકાના શિક્ષકને નિયમ વિરુદ્ધ ચાર્જ સોંપાયો। અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા દ્વારા રૂપિયા 4.64 કરોડના ખર્ચે દક્ષિણ ઝોનમાં આવેલા લાંભા તળાવને રીડેવલપ કરવામાં આવ્યું। તળાવ ડેવલપ કરતી વખતે વોકવે અને ગાર્ડન એરિયા પણ બનાવાયો છે, પરંતુ હાલ સ્થિતિ એવી છે કે વોકવે અને ગાર્ડન પણ તળાવમાં ફેરવાઈ ગયા છે। તળાવની મુલાકાત લેવા આવેલા મુલાકાતીઓને પ્રશ્ન થાય કે તળાવમાં ગાર્ડન અને વોકવે ક્યાં જતો રહ્યો, વિપક્ષ દ્વારા પણ તંત્રની ટીકા થઈ ગઈ છે। સુરતના પુણા ગામમાં જીઈબીની બંધ પડેલી હાઈટેન્શન લાઇનનો ટાવર ધરાશાય થયો। આ ટાવર જમીનદોસ્ત થતા સ્થાનિક લોકોમાં થોડા સમય માટે દોડધામ મચી, પરંતુ આ ઘટનામાં સદનસીબે કોઈ મોટી જાનહાનિ નથી થઈ। આ ટાવરને લઈને 2020ના વર્ષમાં પૂર્વ કોર્પોરેટર દિનેશ કાછડિયાએ જીઈબી વિભાગમાં ફરિયાદ નોંધાવી હતી, પરંતુ જીઈબી વિભાગમાં કરવામાં આવેલી ફરિયાદને લઈને આજ દિન સુધી કોઈ પગલાં લેવાયા ન હતા। અમદાવાદ કોર્પોરેશનની કામગીરી જોતા સૌ ભણે સૌ આગળ વધે તેવી સ્થિતિ બહાલ થઈ રહી નથી। શહેરના ગોમતીપુરમાં આવેલી ગુજરાતી શાળા નંબર 4 અને ઉર્દુ શાળા નંબર 3-4 નું બિલ્ડિંગ જર્જરિત હાલતમાં હોવાથી બંધ કરાયું।
वर्ष 2021 में नवी शाला बनावा की कामगी हाथ धरम कॉन्ट्राक्टर द्वारा आ शाला की कामगी मे 2023 में पूर्ण करवानी हती। जो कि हजू सुधी आ शाला न बनता कॉन्ट्राक्टर ने वु 6 महीना की मुदत अपाई। कांग्रेस प्रवक्ता मनीष दोशीए मुख्यमंत्री ने पत्र लख्यो जेमा राज्यनी शाला कक्षाए कारकिर्दी मार्गदर्शन वोकेशनल गाइडन्स माटे कायमी व्यवस्था तंत्र स्थापवानी बात करी छे। धोरण 10 अने 12 पछीना अभ्यासक्रमों में कारकिर्दीनी तको विशेष पसंदगी अति आवश्यक होवानो पण पत्रमां उल्लेख। बनासकांठा जिल्लाना पालनपुरमां ढूंगियाबाड़ी विस्तारमां वाहनोमां एकाएक आग फाटी निकली। आ घटना देवदिवाळीना दिवसे बनी हती। फटाकड़ा फोड़ता समय आ घटना बनी होवानुं अनुमान छे। शेडमां फटाकड़ा पड़ता आ आग लागी 5 जेटला वाहनोने नुकसान। सूरतना सचिन जीआईडीसी विस्तार में आवेली केमिकल कंपनी में मोड़ी रात्रे आग की घटना बाद अचानक ब्लास्ट थता अफरातफरी मची। घटना में 20 कर्मचारी गंभीर रीते इजाग्रस्त थया। घटना की जाण थता सूरत फायर विभाग 4 मथकों अने नोटिफाइड झोन में फायर जवानों घटनास्थले पहुंचा था। आग पर काबू मेळवाना प्रयासों। राजकोट में असामाजिक तत्वों ने पुलिस मेथी पाक चखाड़ियों अने कायदानु भान कराव्यू। जंगलेश्वर विस्तार में केटलाक शख्सोए तोड़फोड़ करी हती अने जीवलेण हुमलो कर्यो हतो। आ मामले फरियाद नोंधाया बाद गणतरीना कलाकों में ज आरोपीओ झड़पाई गया। तमाम आरोपीओनु पुलिसे जाहेर में सरघस काढ्यो। अमदावादना एलिस ब्रिज विस्तार में आवेला नेशनल हेन्डलूममांथी रोकड़ लईने निकळेला व्यक्ति पासेथी 31 लाखनी लूंट आचरवामां आवी। आ चोरीनो भेद पुलिसे उकेल्यो। सामे आव्यु के बन्ने आरोपीओए पेट्रोल पंप पर अने सिक्युरिटी गार्ड तरीके नौकरी करता हता अने शोर्ट टर्म शोर्टकटमां पैसा बनावा माटे आ लूंटनो प्लान कर्यो हतो। धोराजी में नकली घीना जत्था साथे पुलिसे 3 महिला सहित 4 शख्सों जब्बे कर्या। 34 किलोग्राम नकली घी जूनागढ़ खाते छूटक वेचवा जता पुलिसे तेमने रंगे हाथे झड़पी पाड्या। 8,500 रूपिया की किंमत नो मुद्दा मळ्यो छे। आणंद जिल्लाना ओड गामे स्टेट मॉनिटरिंग सेले 2 वर्ष पहला नोंधायेला बुटलेगर ने त्यां दरोडा पाड्या हता। दरोडा दरमियान विजिलन्स ने टीम अने स्थानिको वच्चे घर्षण थयुं। स्थानिक द्वारा आक्षेप करायो। दरोडा दरमियान पुलिसे स्थानिको पर हुमलो कर्यो हतो जेमां तेमणे महिला अने बाळकोने पण मार माग्या। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह आगामी दिवसों में सोमनाथ आवशे। 1 डिसेम्बर रोज सोमनाथ मंदिर में दर्शन करी शके छे तेवो प्रथम झारखंड थी दीव हवाई मार्गे हवाई मार्ग द्वारा दीव थी सोमनाथ हेलिकॉप्टर माध्यम थी आवशे। गुजरात समाचार जाणीता फोटो जर्नलिस्ट पद्मश्री जबरीलाल मेहता 97 वर्ष की वये अवसान थयुं हतुं। जबरीलाल मेहता ने अंतिम यात्रा निकली थी। पद्मश्री जबरीलाल मेहता एटले मात्र फोटो जर्नलिस्ट नहीं परंतु कलम और कैप्शन ना कसबी गणाता हता। साहित्य शैक्षणिक पत्रकारित्व जगतना तमाम हस्तीओए जबरीलाल मेहता ने अंतिम सलामी आपी। सरकार द्वारा एड्स अंगे जागृति लावाना प्रयास करवामां आवी रह्या छे परंतु जाणीने नवाई लागशे कि अमदावाद शहर में दर महीने एड्सना नवा 100 केस नोंधाई रह्या छे। अमदावाद शहर में एड्सना कुल 14,000 दर्दीओ छे जेमां बाळको पण शामिल छे। अमदावाद कोर्पोरेशन आरोग्य विभाग द्वारा विविध प्रकारना कार्यक्रमों करीने आ रोग अंगे जागृतता फैलावानो प्रयास थई रह्यो छे। केन्सर अंगे जागृति फैलावा माटे एक नवतर प्रयोग हाथ धरवामां आव्यो जेना अंतर्गत इंडिया पोस्ट अने केन्सर सेंटर्स एक पहल हाथ धरी रह्यु छे जेनुं नाम स्टेम्प आउट चाइल्डहुड केन्सर छे। आ मुहिम हेठळ बाळकोमां वधती केन्सरनुं प्रमाण घटाडवानो छे। राजकोटनी एम्स होस्पिटल डिसेम्बर महिनाना अंत सुधीमां शुरू कराए थी शक्यता। 250 बेड की आ होस्पिटल में सुविधा है। सौराष्ट्र 12 जिल्लाओं दर्दियों सहित तमाम ने सारवार लाभ मिलशे। आ पहला 250 बेड की ओपीडी शुरू करवामां आवी छे। लग्नसराની સીઝનના 4 મહિના સોનાના વેપારીઓ માટે દિવાળી સમાન સાબિત થયા। વધતા સોનાના ભાવની અસરના પગલે સોનાના વેપારીઓને પણ મંદી નડી રહી છે। વૈશ્વિક સ્તરે અરાજકતા ફેલાઈ રહી છે। રૂપિયો સતત ગગડી રહ્યો છે જેના પગલે સોનું ઊંચકાઈ રહ્યું છે।
पाटण में 27 लेवा पाटीदार विकास मंडले उत्सव पार्टी प्लॉट में 28मो समूह लग्नोत्सव आयोजन कर 17 नव दंपतिओ प्रभुता में पगला पड़ा था। समूह लग्न में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अंतर्गत लक्ष्मी वंदना कार्यक्रम योजा। पाटण में जगन्नाथ ट्रस्टे धर्मसभा आयोजन कर जूनागंज विस्तार में स्वामी शंकराचार्य की शोभायात्रा काढ़वामां आवी हती जेमां दुर्गा वाहिनी की दीकरीओए तलवारबाजी अद्भुत करतबों रजू कर्या। केन्द्रीय माहिती अने प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुरे कह्युं के सरकारे 16मां नाणा पंच माटे जरूरी शरतों ने मंजूरी आपी छे। आ कमिशन केन्द्र अने राज्यों वच्चे करनी आवकना वितरण अंगे निर्णय लेवा मुद्दे संबंधित छे। केन्द्रीय कैबिनेट की बैठक में आ निर्णय लेवायो छे। 16मुं नाणा पंच ऑक्टोबर 2025 सुधी में तेनो अहेवाल सुपरत करशे। तेनी भलामणों एप्रिल 2026 थी 5 वर्ष माटे मान्य रहेशे। केन्द्रीय कैबिनेट की बैठक में गरीब कल्याण अने योजना अंगे मोटो निर्णय लेवायो। सरकारे आ योजना ने 5 वर्ष माटे लंबावी छे। केन्द्रीय मंत्री अनुराग ठाकुरे केन्द्रीय कैबिनेट की बैठक बाद आ माहिती आपी। तेमणे माहिती आपी के पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना 1 जान्युआरी 2024 थी 5 वर्ष माटे लंबावामां आवी छे। तेनाथी 81 करोड़ लोकोने फायदो थशे। पीएम मोदी नेतृत्व में केन्द्रीय कैबिनेट की बैठक योजाई। केन्द्रीय कैबिनेट की बैठक में मंत्री अनुराग ठाकुरे निर्णयों अंगे जानकारी आपी। मंत्रिमंडले महिला स्वयं सहायता समूह ने ड्रोन उपलब्ध करावा माटे योजना ने मंजूरी आपी छे। साथ ही वर्ष 2023-24 थी 2025-26 खेती उपयोग 15,000 पसंदगी महिलाओं ने ड्रोन अपाशे। गत 5 वर्ष में आश्रे 13 करोड़ लोग गरीबी रेखा में बहार हो आया हो सरकार दावो कर। आवकवेरा विभागे मुंबई और केटलाक अन्य शहरों में हिंदुजा ग्रुपना केटलाक एकमों में सर्च ऑपरेशन हाथ धरू। करचोरी की तपास संदर्भे आ कार्यवाही थी। सत्तावार सूत्रों प्रमाण सर्च ऑपरेशन संबंधित आईटी कायदा हेठ आवी कार्यवाही मात्र ऑफिस परिसर में थी शके। आवकवेरा विभाग की कार्यवाही जनरल एंटी टेक्स एवोइडन्स रूल्स की जोगवाईओ साथ संबंधित है। हिंदुजा ग्रुप इंडसलैंड बैंक हिंदुजा लेलेंड फाइनांस और हिंदुजा बैंक स्विट्जरलैंड की मालिकी धरावे 38 देशों में बिजनेस धरावे। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद डोटसराए कह्युं के राजस्थान में पार्टी की जीत बाद विजेता बनेला उम्मीदवारों राज्य मुख्यमंत्री कोण बनशे ते बाबते पोतानो अभिप्राय आपशे ने त्यारबाद पार्टी हाईकमान अंतिम निर्णय लेशे। कांग्रेस में सीएम पद माटे कोई रेस नहीं। आ वक्त राजस्थान विधानसभा की चूंटणी सुशासन पर लड़वामां आवी ज्यारे भाजप में आंतरिक विवाद अने जूथवाद वध्यो हतो। मुंबईना पूर्व मेयर दत्ता दौलीए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे माटे करेली विवादास्पद टिप्पणी बाद तेमनी धरपकड़ थी। उद्धव ठाकरे पण थोड़ा समय पहला आ प्रकार की टिप्पणी करी हती जेना जवाब में राउते जणाव्यु के तेमां खोटू शुं छे जो सरकार आवी छे तो तेमना माटे आ प्रकार की टिप्पणी करवामां आवे छे। राज्यना सीएम पोताने हिंदू हृदय सम्राट गणावे छे। पोताना माटे आ हिंदू हृदय सम्राट शब्दनो उपयोग करवो ए वीर सावरक अने बालासाहेब ठाकरेनु अपमान छे। कोर्ट पास थी मंजूरी मेळव्या बाद कोलकाता में भाजपे रेली और जाहेरसभा योजी। केन्द्रीय मंत्री अमित शाह सहित भाजपा नेताओं ने कार्यकर्ताओं कार्यक्रम में शामिल थे। पश्चिम बंगाल भाजपा नेता आ जाहेरसभा में स्थानिक लोगों मुद्दा उठावशे। साथ ही मोटी संख्या में लोग भाजपा की जाहेरसभा में हाजरी आपशे। अमित शाहे कहूं कि 2026 की चूंटणी में भाजप 2/3 बहुमती साथ बंगाल में सरकार बनावशे परंतु ते पहला तमारे बद्दाए सुनिश्चित करवू पड़शे कि 2024 की लोकसभा चूंटणी में भाजप शानदार जीत हासिल करे। हूं तमने बधाने दिल थी विनंती करूं छूं कि पीएम मोदी ने फरीथी वडाप्रधान बनावो। मणिपुर में 2 महीना में जातीय हिंसा भड़क्या बाद घना लोगों का मौत थया। हिंसा में मृत्यु पामेला 169 मृतदेहों में 81 पर परिवारजनों दावो कर्यो छे त्यारे 88 की ओळख हजू बाकी छे। मणिपुर शवघरों में फरी रहेला मृतदेह अंगे कोर्टे आ मृतदेह ने दफनावा अथवा तो अंतिम संस्कार सुनिश्चित करवा माटे आदेश कर्यो। विश्वकप साथ द्रविड़ो टीम हेडकोच तरीके कार्यकाल पूर्ण थोड़ा जो बाद एवं अटकड़ों चाली कि हम द्रविड़ टीम इंडिया हेडकोच तरीके जवाबदारी नहीं लंबावे परंतु बोर्ड साथ चर्चा विचारणा बाद द्रविड़ टीम हेडकोच तरीके यथावत रहते। सपोर्टिंग स्टाफ ने एक्सटेन्शन आप।